ये बार बार के जी वो फलाना कायदी आ रही है, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाजे है ना कि मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाजे है ये। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे के कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं? ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनवाई, बड़े बड़े आलम को हमने ऊपर बैठाया, हमने कहा करिकुलम डेवलप करो, स्कूल के बच्चों को सीरत नबी सिखाओ, 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर कोर्स स्पेशल डेवलप करो, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवाओ, कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स हो, पता चले हमारे नौजवानों को कि क्या इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया था, कैसे दुनिया मुसलमानों ने ट्रांसफॉर्म कर दी थी। 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी पावर थे, वो क्या चीज थी? क्यों ऊपर, फिर मुसलमान जब ऊपर भी गए फिर नीचे क्यों आए? इकबाल ने जो शिकवा और जवाब शिकवा लिखा, क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि हम ऊपर क्यों गए और फिर हमने क्या आया? वही मदीना के रियासत के उसूलों से पीछे हटे, हम नीचे आ गए। और आज हम फिर कैसे अपने लोगों को ऊपर ला सकते हैं?